दोस्तों नमस्कार, मैं राजन श्रीवास्तव SPL स्टडी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम ये बताएंगे कि जीवन में सफल कैसे हो। सफल होने के लिए आपको जानना चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है। होता क्या है कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपने बारे में कम जानते हैं। मैं कौन हूँ इसके बारे में जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बारे में जानिए। अर्थात हु एम आई, मैं कौन हूँ, मतलब मेरी ताकत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, जीवन में हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये मुझे पता नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप अपने बारे में कुछ लिखिए तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे, और मैं आपसे कहूँ कि दूसरों के बारे में लिखिए तो आप बहुत कुछ लिख देंगे। होता क्या है, लोगों को अपने बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं एक जगह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गया था, वहाँ मैंने कहा कि आप निबंध किसके किसके बारे में लिखे हैं। लोगों ने बताया, मैंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा है। तो हमने पूछा अर्थात आज तक आपने दूसरों के बारे में लिखा। फिर मैंने कहा आप अपने बारे में लिखिए, और लोग लिख नहीं पा रहे थे, बहुत समय लग रहा था, बहुत सोच रहे थे। इसका कारण क्या होता है, हम अपने बारे में जागरूक नहीं होते हैं, हम ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ। जब तक मुझे अपनी ताकत अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होगा तब तक हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में सफल होने के लिए चार क्वालिटीज आपके होना चाहिए। आपको आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, नो रिस्क नो गेन, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या है, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य चैलेंजिंग लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप जीवन में सफल होते हैं। कंपटीशन की आपके आपके अंदर भावना होना चाहिए, हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने के लिए आप लालायित रहें, प्रयत्न करें, आगे बढ़ें। जो है बाधाओं से आपके अंदर आपको घबराना नहीं है, पेशेंस आना होना चाहिए, गुस्सा क्रोध आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये अगर जिसके अंदर क्वालिटी है वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अब आपको चेक करना है कि आपके अंदर ये गुण है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आप रोज एक कहानी लिखिए, कहानी का जो भी हीरो हो उसके अंदर ये सारे क्वालिटी होना चाहिए। एकांत में बैठ कर आप इस कहानी को एक कहानी लिखिए जिसके अंदर ये कहानी का जो हीरो हो, कहानी का जो कैरेक्टर मेन हो, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, और उसको एकांत में बैठ कर लिखिए, और उसके दो तीन घंटे बाद फिर उसको चेक करके उस पर नंबर दीजिए। ये एक्सरसाइज आप 3 महीने लगातार करिए। जब 3 महीने आप लगातार करेंगे तो आपको ये फील होने लगेगा कि उस हीरो के सारे गुण हमारे अंदर हो गया, अर्थात आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता आ जाएगी, आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, आप एक गोल बनाएंगे लाइफ में हमको क्या करना चाहिए, वह गोल को फिर चैलेंज के रूप में लेंगे, अर्थात वो आपका चैलेंजिंग गोल हो जाएगा। उस गोल को प्राप्त करने के लिए फिर आप कंटिन्यूअस प्रयास करिएगा, और जब आप कंटिन्यूअस प्रयास करिएगा तो बाधाओं से घबराइएगा नहीं, गुस्सा नहीं करिएगा, हमेशा मीठा बोलिएगा, लगातार प्रयासरत रहिएगा, और अंत में ये सारे गुण होंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा और जीवन के क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों अपने बारे में जानिए, मैं कौन हूँ ये जरूर जानिए, अपने बारे में जानिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपको रामायण का सीरियल चल रहा है, इस समय हनुमान जी के पास बहुत सी शक्ति थी, लेकिन जब लंका पार करना था तो उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाया गया जाए। जामवन जी ने बताया कि आपके अंदर ये गुण है, आप समुद्र को छलांग लगा सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े काम बचपन में किए हैं। तो आज मैं भी कह रहा हूँ कि आप अपने बारे में निबंध लिखिएगा, अपने बारे में आप जब निबंध लिखिएगा तो आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होगा और जीवन के क्षेत्र में आप बहुत सफल हो पाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि SPL स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जनमानस को अपनी क्षमताओं को पहचानने के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।